कोई वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग में बस ऐसा हुआ कि सुबह तो टाइम पता मिल नहीं पाया, और अभी जो हम आए हैं मेरा ऑफ ड्यूटी है, मैंने ऑन ड्यूटी हुआ उसके बाद मेरा गाड़ी ही नहीं आया। मतलब जो गाड़ी मेरे को नॉमिनेट था वो गाड़ी आया नहीं, या तो जो वहाँ रिलीफ होने वाला था, जो मेरे को चार्ज देने वाला था, वो बंदा आगे गाड़ी लेके चल गया। मैंने वो रेडी हो गया कि मैं ले जाऊँगा। होता है कभी किसी का कुछ काम है, कुछ है समथिंग, तो वो अपना डिसाइड किया कि इस तरह से हम अगर गाड़ी पहुँचा देते हैं और उधर से अगर आ जाते हैं वापस तो उसका काम निकल जाए। अगर वो आज ही रिलीफ हो जाता और आज ही घर पहुँच जाता तो मैं भी उनका काम नहीं होता। तो भाई ये वाला पोजिशन हुआ। और सुबह तो टी ओ इतना जल्दी हुआ, सो के उठे 7 बजे, 8 बजे के आसपास टी ओ हो गया था, रफू चक्कर हो गया, तो ब्लॉगिंग का उतना टाइम मिल नहीं पाया। तो भाई अभी प्रोग्राम ये है कि हम तो खाना वाना बना लिए थे, शाम का भी जुगाड़ ले लिए थे, रोटी वोटी बना लिए थे, तो अभी कुछ करना नहीं है। दूध लेके आ गए हैं, दूध गर्म करना है, रोटी दूध खा लेना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भाई आज जब हम लोग फ्री थे तो ऑफिस में एक सेमिनार हो रहा था, और सेमिनार में भाग लेकर मेरे को बहुत अच्छा चीज़ एक सीखने के लिए मिला कि ड्राइवर का ड्रेस इस तरह क्यों है, ब्लू शर्ट मतलब स्काई कलर का शर्ट, ब्लू पैंट, और क्या मतलब पहले क्या था और क्या कैसे करके हम लोग का ड्रेस चेंजिंग आया, कैसे कैसे कोड आया, उसके बारे में जानने भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो हुआ क्या था कि पुराने ज़माने में क्या था कि आपका सब आपका वास्प इंजन था, ठीक है ना, तो वैसा वाला जो इंजन था तो उस पर जो लेबर काम करते थे, जो ड्राइवर होता था, वो पहले एज अ खलासी काम करता था, ठीक है। अभी भी फायरमैन करके हमारे हम लोग जो भरते हैं फॉर्म, उसमें फायरमैन 1 फायरमैन 2 लिखा रहता है, तो उसमें क्या रहता था, 2 फायरमैन रहते थे। फायरमैन माने जो आग जलाते थे कि भाप निकलता था और फिर इंजन जो वर्क करता था, तो वो क्या करता था, कोयला डालता था। तो वो सारा लोगों का जो था हाफ पैंट था, पहले हाफ पैंट पहनने का रिवाज था कि भाई ये तो बहुत लेबर है तो वो हाफ पैंट पहनेगा। और पहले भाई पढ़ा लिखा भी नहीं था, खाली जो ड्राइवर था वो भी जो ब्रिटिश ज़माने का ड्राइवर था वो ब्रिटिश था, मतलब अंग्रेज था जो ड्राइवर था, खाली वो ही पूरा सूट बूट में रहता था, बाकी जो इंडियंस था उन लोगों को फायरमैन कहा जाता था, और उन लोग फिर यही हाफ पैंट पहनता था, हाफ मतलब ब्लू में दोनों हाफ हाफ पहन के काम करता था और आग जलाने का काम करता था। और पहले क्या था भाई, अभी कितना चेंजेस। और पहले क्या था कि एक बंदा गाड़ी लेके निकल रहा है तो अनलिमिटेड डिस्टेंस था कि अब कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। मैंने आप टाटानगर से चले तो दिल्ली तक पहुंचाना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना, इसलिए पहले कोई ड्राइवर से शादी नहीं करता था, ड्राइवर लोगों का हर स्टेशन में एक एक बीवी रहता था, मैंने ये हाल था। तो फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, और जब RRB बना और RRB के द्वारा जब वैकेंसी में आए लोग, तो पढ़े लिखे लोग आए, तो पढ़े लिखे लोग जब काम करने लगे एज अ ड्राइवर जब काम करने लगे तब वो भी हाफ पैंट पहनते थे। तब उन्होंने आवाज़ उठाई कि हम लोग हाफ पैंट क्यों पहनेंगे, जब हम लोग इतना रिपोर्टेड काम कर रहे हैं तो हाफ पैंट क्यों पहनेंगे। तब भाई ये ड्रेस कोड आया। और इसका कलर स्काई क्यों है, तो स्काई कलर का जो भी जितना भी मोस्ट ऑफ आप देखिएगा तो वर्कर का स्काई कलर का रहता है, क्योंकि ये लेबर लेवल का जो रहता है उसमें मोस्ट ऑफ लोग स्काई कलर का सेट को प्रेफर करता है। तो भाई यही कहानी था हम लोग का ड्रेस कोड का, कि यार बहुत लंबा कहानी सुनाया है यार, आधा छूट गया भी होगा, मतलब उसी तरह कि इस यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब पढ़ा लिखा आदमी आया तब जाके इसको चेंज किया, नहीं तो अभी तो हाफ पैंट पहनना पड़ता है, अजब लगता हाफ पैंट में जूता रिबॉक क्या। तो भाई ओमिक्रॉन फैल गया है बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे वो बढ़ते ही जा रहा है, और अभी इस स्थिति में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। एक तो फैमिली का चिंता रहता है, एक तो ड्यूटी के बाद भी घर जाने के लिए बंदा सोचता है 5 बार कि कहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ। अभी मेरे को ही सर्दी जुकाम था तो मेरे दिमाग में एक तो चल रहा था, और झांसुगुड़ा में एक ड्राइवर है मुकेश कुमार करके, उनको भाई हो गया है, कल रात में ही उनका पूरा तबीयत ख़राब हो गया, तो फिर कल उनको एडमिट कराया गया। तो ड्यूटी करना ही है, आप ड्यूटी से भाग नहीं सकते, गवर्नमेंट सर्विस में यही है कि आप भाग नहीं सकते। और भागेगा कितना दिन, भागिएगा, पैसा का ज़रूरत तो आपको है ना, पैसा तो चाहिए,
मान लीजिए कि पहले अगर आप सीख कर देते हैं, कुछ कारण से छुट्टी लेके भाग जाते हैं, तो आप सोचेंगे जब होगा तब फिर आप क्या करोगे। इसीलिए आदमी सोचता है कि जब होगा सो होगा, पहले से भाग के क्या करेंगे, करना तो है काम। तो भाई और एक आज इस्पात एक्सप्रेस एक चलता है हम लोग का यहाँ पर, आपका हावड़ा से लेकर टिटलागढ़ तक। तो भाई इस्पात एक्सप्रेस में आज सीकेपी के बाद एक स्टेशन पड़ता है ओटा पहाड़। एक बाइक वाला बताइए ट्रेन को टक्कर मार दिया, सुनने में कैसा लग रहा है, बाइक वाला ट्रेन को टक्कर मार दी। अबे यार भाई, जो रास्ते में रास्ता में जाओ। अब वो किस लेवल क्रॉसिंग से गुजर रहा था, घसरी दिया भाई को पूरा। तो भाई इसमें ड्राइवर का क्या ड्यूटी बनता है, तो ये आपको डिस्कस करते हैं कि भाई पहले तो सबसे पहले कि आपको ब्रेक मारना, क्योंकि इंसानी जीवन को बचाना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो तब भी ड्राइवर ब्रेक मारा, लेकिन काफ़ी दूर तक घसटा गया वो। तो फिर उसको ड्राइवर का रोल बनता है कि उसको उठा के, अगर वो ठीक है इंजर्ड है तो उसको नेक्स्ट स्टेशन तक पहुँचाया जाए। तो उसी तरह हुआ, मतलब गाड़ी तो आगे निकल गई, बट गार्ड जो उसका था, वो गार्ड उसको उठा के फिर नेक्स्ट स्टेशन में हैंड ओवर किया। बाइक तो क्षतिग्रस्त हो गया पूरा, हम आपको दिखाएंगे पिक दो चैप्टर। तो ये सब कांड होते रहते हैं। तो लोग समझते नहीं हैं और ओवर स्मार्ट बनते हैं कि हम पार हो जाएंगे, उसी चक्कर में ये सब कांड हो जाता है और ड्राइवर भी परेशानी में पड़ जाता है। तो भाई एक नया माइक ले लिए हम, क्योंकि वो माइक थोड़ा पुराना हो गया था, उसमें शायद आवाज़ नहीं आ रहा था सही से, वो खटखट खटखट कभी कभी आवाज़ आता था। तो भाई ये आपका ले लिए हम, बोया M1 का है। तो ये है आपका, उल्टा दिख रहा है क्या यार। तो बोया M1 का ये माइक है, 674-70 रुपये कुछ पड़ा मेरे को, लेकिन सही है यार, आवाज़ सही आ रहा है इसमें। तो भाई दूध गर्म करके रोटी वोटी खा लिए हैं और किचन का हैबिट ऐसे रायता फैल चुका है। दीदी आई तो डांटेगी, लेकिन अब हमसे ना हो पाएगा, पूरा आदत बिगाड़ दी है मेरा 15 दिन। ये पानी गर्म करने के लिए सरकारी माल लिया है, सरकारी माल मिला था जब असिस्टेंट में थे तो यही मिला था, ये सब मिलते रहता बीच बीच में, अभी तो बीच में नहीं मिल रहा है। पानी गर्म करके इसमें रखते हैं और पीते रहते हैं, अभी ड्यूटी भी इसी को लेके जा रहा है। तो क्या क्या सप्लाई रहता है, तो सप्लाई में रहता है क्या है कि पानी का बोतल जब हम लोग ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो 1-2 साल मिला था, तो उसके बाद बंद कर दिया। तो ये मेरे को लगता है कि 2017-18 में मिला होगा, दो मिला था, इससे पहले एक मिला था, उसके बाद ये वो वाला मिल्टन का था और ये वाला कूल टाइम्स फोन लोकल माल पकड़ा दिए। चलो चल रहा है, गर्म रहता है 7-8 घंटा तो चलेगा। और ये रहता सप्लाई, और आपको टॉवेल दिया जाता है छोटा छोटा आपका हाथ उस साफ उफ करने के लिए, और कपड़ा उपड़ा पहले मिलता था, मतलब ड्रेस सिलाने के लिए आपको सप्लाई ड्रेस भी मिलता था साल में एक बार, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया है। इसका अलावा आपको साल में 5,000 रुपया देता है जुलाई के महीने में, और उससे से अपना कपड़ा सिलाइए, आप 5,000 में जो चीज़ करना है करिए, जितना हो पाएगा। अब 5,000 में कहाँ होगा, 5,000 में तो नाइक के जूते ही होते। और हम देखे हैं जूता में, अगर ब्रांड का जूता खरीदते हैं तो थोड़ा दिन चलता है, 6 महीना मिनिमम, और नहीं तो रे भाई विदाउट ब्रांड का जूता खरीदने से 3 महीना में ही ख़त्म हो जाता है, पत्थर में चलना होता है, कट जाता है पूरा, नीचे का घाट खत्म हो जाता है, और घाट खत्म हो गया मतलब जूता को यूज नहीं करना, कहीं गिरेगा तो सीधा कपारे फूटेगा और बचेगा नहीं, कपार माने सर फूटेगा। तो भाई आज एक बात बताना चाहते हैं हम कि क्या होता है जब ड्यूरिंग 130 KMPH, 60 KMPH, 40 KMPH में जब ड्राइवर ट्रेन चलाता है, और अगर उसको लूज मोशन या पेट खराब हो जाए ड्राइवर का किसी कारण से, और गाड़ी जब चल रही है, आप सोच लीजिए कि अगर पैसेंजर गाड़ी है वो चल रही है और ड्राइवर का पेट खराब हो जाए, तो क्या होगा।
कैसे वो मेंटेन करेगा उसको, लंबी दूरी का गाड़ी भी रहता है, कई गाड़ियों पर तो स्टेशन भी मतलब आपका मतलब कम स्टेशन में स्टॉपेज होता है तो वो ज़्यादा रुकता भी नहीं है, तो ऐसे में ड्राइवर क्या कर सकता है। तो भाई होता क्या है कि ये सब चीज़ ये सब सिचुएशन में ड्राइवर को 15 मिनट का ये दिया जाता है। अगर नेचुरल कॉल आपको आता है किसी कारण से तो आप कहीं भी गाड़ी खड़ी करके 15 मिनट के लिए हल्का हो सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया भाई पेट खराब होना था, लेकिन टॉयलेट भी लगता है कभी कभी बहुत लंबा दूरी, जैसे मान लीजिए कि दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो टाटा से डायरेक्ट छूटती है, उसके बाद डायरेक्ट उसका स्टॉपेज है राउरकेला, मैंने लंबी लंबी दूरी से केपी फिर राउरकेला, 6 घंटा का टोटल सफ़र रहता है ड्राइवर असिस्टेंट का, मतलब लगातार कंटिन्यू चलते रहता है। तो अगर इसमें टॉयलेट भी आपको लगता है तो वो भी आपको मतलब खतरनाक, इसलिए क्या होता है उसका असिस्टेंट जो होता है 6 घंटा तक कम कम पानी पीता है ताकि टॉयलेट ना जाना पड़े। और अगर जैसे ही गाड़ी रुकता है वैसे वो तुरंत पीछे वैगन में जाता है, पीछे बोगी में पैसेंजर वैगन, तुरंत फ्रेश होकर फिर उसको आना पड़ता है। अगर उसको बाथरूम भी लगा या उसको लेटरिंग तक भी लगा हुआ तो भी वो मतलब पीछे जाकर तुरंत वो फ्रेश होकर आ सकता है। तो 15 मिनट का तो ऐसे आपको कहीं भी आप खड़ी करके कर सकते हैं, ऐसे आपको बिटवीन द टाइम मतलब उस टाइम के अंदर ही आपको फ्रेश हो लेना है। तो भाई ये फैक्ट आपको शायद नहीं पता होगा, तो भाई इतना भी आसान नहीं होता ड्राइवर का जो। तो भाई आज के लिए ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, चलिए।